बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि हमने किया है डिज़ाइन एक छोटा सा प्रोजेक्ट चाइनीज़ HMI और चाइनीज़ जो PLC है उसको यूज़ करते हुए। तो ये देखें जी, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने कुछ टाइम बेस फंक्शन चलाए हैं, इसके अलावा कुछ टम्परेचर्स की वैल्यू चलाई हैं, यानी एनालॉग वैल्यूज़ को यूज़ किया है। तो एनालॉग वैल्यू को यूज़ करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है PT100 ट्रांसमीटर, इसके साथ हमने लगाया हुआ है PT100। ये देखें जी, PT100 नज़र आ रहा है आपको, और ये है हमारी जी चाइनीज़ PLC। ये इसकी इनपुट साइड है, ठीक है जी, और ये जहाँ पे आपको रिलेज नज़र आ रही है इसकी आउटपुट साइड है। और ये जो हमारा पोर्शन है, ये है एनालॉग साइड का पोर्शन। तो ये एनालॉग साइड के अंदर हमारा जो PT100 का एनालॉग सिग्नल है 1 mA का, वो कनेक्ट हो रहा है। तो जिस तरह मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि ये जो PLC है, ये 6 एनालॉग इनपुट्स जो है वो रीड कर सकती है, और 2 जो है वो डिजिटल आउटपुट देती है, जिस तरह लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है DA1 DA2, और इसके अलावा इसके अंदर RS485 की जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। तो अगर मैं टम्परेचर मॉड्यूल की बात करूं तो ये PT100 के कनेक्शन हैं, इसके ऊपर PT100 की 3 वायर्स लगी हुई हैं, और ये हमारी जो है इसकी आउटपुट 4 से 20 mA जो जनरेट हो रही है डायरेक्टली PLC को जा रही है। इसके अलावा जी, अगर HMI की बात कर लें तो देखें पावर ऑन है और रन भी है HMI, और कम्युनिकेशन की इंडिकेशन कंटिन्यूसली जो है ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी PLC से जो है वो कम्युनिकेटेड है। और इसे कुछ वैल्यूज़ दे के देख लेते हैं जी। ये देखें, इसी तरह टम्परेचर की वैल्यू हम दे लेते हैं इसे। तो ये हमने बनाया हुआ है एक स्टार्ट का बटन, तो जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो ये देखें जी, कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं, और साथ में हमारी जो PLC है उसकी आउटपुट्स भी ऑन हो गई हुई हैं। इसी तरह अगर मैं इसे ऑफ़ करूँगा, ये देखें जी, बड़ी ही माशाल्लाह प्यारी जो है इसकी ग्राफिक्स हैं HMI की। 4.3 इंच के अंदर जो है ये अवेलेबल है, 7 इंच के अंदर भी अवेलेबल है। तो अभी बात करते हैं PLC और HMI की प्रोग्रामिंग की, यानी इसको जो प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। ये देखें जी, डिस्प्ले पे हमारे पास इसका जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है वो पेज भी खुला हुआ है। अगर मैं प्रोग्रामिंग केबल की बात करूँ तो ये जो केबल है ये जो है वो PLC की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। एक साइड इसकी D-Type 9-pin फीमेल है, एक साइड इसकी D-Type 9-pin मेल है, और अपने लैपटॉप के साथ मैंने जो है वो USB कन्वर्टर लगाया हुआ है, USB 2/232 कन्वर्टर। और इस केबल जो है इसकी एक साइड जो है वो इसके इस तरफ लग जाएगी, यानी USB कन्वर्टर के साथ, और जो दूसरी साइड है उसे हम लगाएंगे PLC के साथ। तो ये जो पोर्ट है ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, और जब आपने प्रोग्रामिंग करने नहीं है तो यही पोर्ट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैक साइड का व्यू, ये देखें। तो यही ये पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, और इसी पॉइंट को जो है वो हम प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये था जी हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या आपको कहीं पे इस तरह का प्रोजेक्ट बनवाने की ज़रूरत पेश है, तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।